फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव सिंह और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। हाँ भाई, मैंने गदर 2 मूवी का ट्रेलर देख लिया है भाई। ट्रेलर देख के बस ऐसा ही लगा वाव। तो भाई, सनी भाई ने तो इस मूवी में आग लगा दी। तो अगर बात करें सनी देओल की, तो भाई उनको देख के लग ही नहीं रहा है कि 22 साल बीत गए हैं। वो आज भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे वो गदर 1 में दिख रहे थे। जो मैं बताने वाला हूँ वो सुन के आप लोग को थोड़ा बुरा लग सकता है, पर बताना तो पड़ेगा। तो गाइस, अगर बात सकीना की करें तो अब उनमें वो पहले वाली बात नहीं रही जो गदर 1 मूवी में थी। उनका जो चार्म है वो इस मूवी में थोड़ा कम दिख रहा है। जो पहले वाली सकीना थी उनके फेस पे थोड़ा क्यूटनेस और थोड़ा पेन था जिससे ऑडियंस खुद को कनेक्ट कर पा रही थी, अब ये मिसिंग है उनके फेस पर। अगर बात करें गदर 2 मूवी के ट्रेलर की, तो भाई इस मूवी को देख के एकदम 90s वाला फील आ रहा है। जो मेकर्स है उन्होंने कुछ भी नया ट्राई नहीं किया है। इस मूवी का जो ओरिजिनल 90s वाला है वही लेके वो आगे चले हैं। यही चीज मूवी को इतना खास बनाता है। जो एक्शंस, जो डायलॉग्स इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं उससे ऑडियंस खुद को कनेक्ट कर पा रही है पहले वाली मूवी से। जो गदर 1 के सॉन्ग थे उन्हीं सॉन्ग को रिमिक्स बना के इस मूवी में यूज किया गया है। भाई ट्रेलर देख के तो यही लगा कि ये मूवी सुपर डुपर हिट होने वाली है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा।